साधना के इस योग पर ऊंचे स्थान तक नहीं पहुंचा जा सकता। स्वयं भगवान ने कहा, जिस यत्नशील जन का आहार चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग, शब्दों की ओर ध्यान देना, उस ब्रह्मधाम की प्राप्ति इस मातलोक में जो दुख कष्ट तकलीफें हैं उनको समाप्त करने के लिए यह विधि है ध्यान योग, और अपना नियमबद्ध हो जाना उस धाम की प्राप्ति के लिए, उसका दुख को नाश करने वाला इस मातलोक में कितना भी प्रयत्न कर लो सुख नहीं है, शांति नहीं है। जिसको सुख और शांति भ्रम समझ बैठता है मानव, वह केवल आंशिक है, स्थाई नहीं है। एक दिन सुखी, अगले दिन दुखी, एक दिन हर्षित हो, दूसरे दिन कला क्लेश, यह सुख और दुख यह गति रूप से चलती रहेंगी। पूर्णतः सुख यहां पर नहीं मिल पावेगा कदापि किसी को भी। उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है नियम पूर्वक, मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ, अपने सब काम करता हुआ गृहस्थ जीवन में कुछ भी नहीं त्याग किया जाएगा, सभी भोग भोगने होंगे, सभी सुखों को प्राप्त करना होगा, परंतु मर्यादा में रहते हुए नियम पूर्वक। अभ्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है, अपना स्वरूप आत्मा, उस परमात्मा का अंश, उसका स्वरूप वह ब्रह्मधाम, ध्यान में लीनता की लय अवस्था उन लोकों में विचरता है, उसके स्वरूप में, उसके नाम में जब वह निमग्न हो जाता है, वहीं ठहर जाता है और सब कामनाओं से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन योग युक्त ऐसा कहा जाता है, योगी मानव वही योग युक्त हो जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए महाराज ने कहा, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का यत्न करने वाले, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का यत्न करने वाले स्थिर चित योगी की, सिर स्थिर अवस्था की वह उपमा कही गई है, जैसे वायु रह स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है, जैसे वायु रह स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है, उसका विचार, उसका निश्चय दृढ़ होता है, वह संदेह में नहीं रहता, उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
उस ब्रह्म धाम की प्राप्ति इस विधि को अपना करके ही सुगम है, अन्यथा भ्रम भूल में भटका रहेगा मानव, अज्ञानी। सुख शांति की अभिलाषा में दुखों के घर को पहुंच जावेगा। अभिलाषा सुख शांति की प्राप्ति दुखों के घर को, इसलिए महाराज ने कहा हे साधक, तेरा नियमबद्ध होना अति अनिवार्य है। जाप में ध्यान की लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करे साधक, विचलित ना होवे, संशय ना होवे, भ्रमित ना होवे और धैर्य ना छोड़े, अधीर कदापि ना बने। जो विधि बताई जाप में नित निरंतर ध्यान में बैठने का प्रयत्न करे, शिकायत होगी ध्यान नहीं लगता, कोई चिंता नहीं, केवल प्रयत्नशील हो जाना। अंतर है इनमें, एक तो ध्यान लगाने का प्रयत्न ही नहीं करना, एक जो ध्यान लगाने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा उसका ध्यान कहां लगेगा, कदापि नहीं। दूसरा, ध्यान लगाने का प्रयत्न कर रहा है परंतु ध्यान नहीं लगा, दोनों अवस्थाओं में ध्यान तो नहीं लगा। जो प्रयत्नशील नहीं है उसका ध्यान नहीं लगा, जो प्रयत्नशील है परंतु ध्यान नहीं लगा, इन दोनों बातों में अंतर बहुत है। वह परम पिता परमात्मा अंतर्यामी भीतर के भावों को जानता है, बस वह भावना प्रदान है, तुम्हारा प्रयत्नशील होना ही वह उसको प्रसन्न करने का कारण हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल रविवार।